गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्काई लेसन नंबर 16 द स्काई विच इज़ फ्रॉम योर ईवीएस बुक ओके आज हम स्काई के बारे में डिस्कस करेंगे ओके नाउ सी द पैराग्राफ व्हेन वी लुक अप इन ओपन वी सी स्काई इट सीम्स ब्लू इन द डे एंड ब्लैक एट नाइट अदर देन this we also see many heavenly bodies in the sky like sun moon and star in the sky okay ab dekhiye sky we see sky jab hum sky dekhte hain jab hum aasman mein dekhte hain to humko kaun sa color ka dikhta hai wo blue color ka kaun sa color ka humko dikhai deta hai blue color okay blue in the day jab hum din mein dekhte hain to humko blue dikhta hai but एट नाइट जब हम नाइट में देखते हैं तो हमको कौन सा कलर का दिखाई देता है ब्लैक कलर का ओके अदर देन दिस वी ऑल्सो सी मैनी हेवनली बॉडीज और हम बहुत सारे हेवनली बॉडीज हमको स्काई में दिखाई देते हैं जस्ट लाइक सन मून स्टार इन द स्काई है ना हम सन देखते हैं स्काई में मून एंड स्टार इन द स्काई नाउ सी सेकेंड फर्स्ट टॉपिक इज द सन अब हम सन के बारे में देखेंगे द सन इज़ बिग स्टार द सन इज़ अ बिग स्टार सन क्या बहुत बड़ा एक स्टार है ओके इट लुक्स लाइक अ बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर वो कैसे दिखता है एक आग का बड़ा सा गोला की तरह दिखता है ओके इट लुक्स लाइक अ बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर लुक एट दिस पिक्चर इट गिव्स अस हीट एंड लाइट वो हमें क्या देता है हीट देता है गर्मी देता है लाइट देता है ओके इट लुक्स बिगर देन द अदर स्टार और वो अदर स्टार से बहुत बड़ा दिखता है इफ देयर इज नो सन ऑल द लिविंग बींग्स वुड डाई अगर सन नहीं रहेगा तो जितने भी लिविंग बींग्स है वो डाई हो जाएंगे मर जाएंगे है ना लेट अस सी व्हाट द सन डज ड्यूरिंग अ फुल डे सन क्या करता है फुल डे में देखेंगे ओके सी द पिक्चर फर्स्ट पिक्चर द सन राइजेस इन द मॉर्निंग सन कब राइज होता कब निकलता है सन मॉर्निंग में ओके देन नेक्स्ट इज द सन इज हाई इन द स्काई इन आफ्टरनून जब दोपहर होता है जब आफ्टरनून होता है तो सन क्या होता है बहुत बहुत हाई हो जाता है ना बहुत ज़्यादा धूप देता है दोपहर में है ना आफ्टरनून में द सन सेट्स इन द इवनिंग सन कब ढलता है कब सेट होता है इवनिंग में जब शाम होता है तो धीरे धीरे क्या होता है सन सेट हो जाता है ओके व्हेन द सन सेट्स इट बिकम्स डार्क जब सन सेट होता है तो धीरे धीरे क्या होते जाता है डार्क होते जाता है इट इज़ नाइट और फिर नाइट ओके व्हेन द नाइट इज़ ओवर फिर जब नाइट ख़त्म होता है ओवर होता है द सन शाइन अगेन फिर नेक्स्ट डे धीरे धीरे फिर से सन क्या होता है शाइन हो जाता है चमकने लगता है इन द इट इज़ द मॉर्निंग अ न्यू डे ओके नेक्स्ट अब हमने सन के बारे में देखा था नेक्स्ट हम देखेंगे द मून ओके लुक एट दिस पिक्चर मून वी सी द मून इन द स्काई एट नाइट हम स्काई में मून कब देखते हैं नाइट में क्या हमें दिन में मून दिखाई देता है नहीं नाइट के टाइम में हम क्या देखते हैं मून ओके द मून इज नियरर टू द अर्थ मून किसके नियर है अर्थ के देन द सन थस इट लुक्स ऑफ द सेम साइज हैज द सन उसका साइज क्या होता है सेम हैज द सन बट इज मच स्मॉलर बट वो क्या होता है स्मॉलर द मून शाइन विद द लाइट ऑफ द सन मून किससे शाइन करता है सन के लाइट से द मून मूव्स अराउंड द अर्थ मून किसके मूव्स करता है अर्थ इट अपीयर्स टू चेंज इट्स शेप एवरी डे और वो अपना जो शेप होता है एवरी डे हर दिन वो चेंज करता है ओके द मून अपीयर्स अराउंड लाइक अ बॉल इट इज़ कॉल्ड फुल मून डे जब ये सन ऐसा पूरा सर्कल में होता है उसको क्या बोलते हैं फुल मून डे ओके बॉल की तरह जब दिखता है तो उसको क्या बोलते हैं फुल मून डे नाउ सेकंड वन इज व्हेन देयर इज नो मून जब वहाँ कोई मून ही नहीं होता है एट ऑल इट इज़ कॉल्ड न्यू मून डे यहाँ मून नहीं है सिर्फ स्टार है ओके
When the moon looks like a slice of melon, जब moon melon की तरह दिखता है, slice of melon, it is called the half moon day. इसको कौन सा moon बोलते हैं? Half moon day, okay? There is no air and water on the moon. Moon में कोई air नहीं होता है, कोई water नहीं होता है. That is why there is no life. इसलिए वहाँ वहाँ पर कोई जिंदा ही नहीं रह सकता अगर वहाँ कोई जाएगा तो. ठीक है. Now third topic is the star. When we look at the night, जब हम night में देखते हैं sky में, तो हमको क्या दिखाई देता है? वी सी हंड्रेड ऑफ स्टार्स. हम बहुत सारे स्टार्स हमको ट्विंकल दिखाई देते हैं ना. वी सी स्टार्स ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई. वी कैन नॉट सी देम ड्यूरिंग द डे. हम स्टार को डे में नहीं देख सकते. बिकॉज द ब्राइट लाइट ऑफ द सन. क्योंकि सन का जो लाइट बहुत तेज होता है, इसलिए हम स्टार को दिन में नहीं देख सकते हैं. स्टार प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. जो स्टार अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है. ओके. सम स्टार्स आर ग्रुप टुगेदर. कुछ स्टार्स क्या होते हैं, एक ग्रुपिंग में होते हैं स्काई में आप देखेंगे तो. ठीक है. फॉर्म द पैटर्न. वन सच पैटर्न इज कॉल्ड ग्रेट बियर. जो पैटर्न एक बन जाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट बियर. विच लुक लाइक अ बियर. ओके. फर्स्ट टॉपिक क्या था, हमने क्या देखा, द सन. Then second one is the moon and third topic is the star. Okay. See, tick the correct option. The sun rises in the day. Sun कब rise होता है, morning, evening या both? Sun कब rise होता है, morning में. तो morning में tick mark लगा के यहाँ fill करेंगे. Okay. Number टू is we see dash in the sky. Sky में हमको क्या दिखाई देता है, sun, moon, both या दोनों? हमको तो स्काई में दोनों दिखता है, इसलिए बोथ में टिक मार्क लगाएंगे. थर्ड वन इज डैश डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट. किसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है. ओके. मून, सन या स्टार? तो करेक्ट वन इज मून. द मून अपीयर्स टू चेंज इट्स डैश एवरी डे. ओके. मून हर दिन क्या चेंज करता है, ग्लोरी, शेप या लाइट? तो वो अपना शेप क्या होता है, एवरी डे, हर दिन वो चेंज करता है. ठीक है. तो शेप में टिक मार्क लगा के यहाँ पे आप फिल करेंगे. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ देखिए ऑप्शन लिखा हुआ है. ठीक है. नंबर वन इज सन लुक्स लाइक अ बिग डैश बॉल ऑफ फायर. सन कैसा दिखता है, बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर. देयर इज नो एयर एंड नो वाटर द डैश. कहाँ पे एयर नहीं होता और वाटर नहीं होता, मून पे. डैश प्रोड्यूस देयर ओन लाइट. स्टार अपना खुद का लाइट प्रोड्यूस करता है. द सन इज हाई इन द स्काई इन आफ्टरनून. दोपहर के टाइम में क्या होता है, जो सन होता है अपना लाइट क्या करता है, बहुत हाई, बहुत तेज कर देता है. ओके. फिफ्थ वन इज वी सी हंड्रेड ऑफ स्टार्स डैश एट द नाइट ट्विंकल. ओके. देन ट्रू फॉल्स है, मैचिंग है. I will send the question answer. Okay. Thank you.